बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। बहुत से लोग हैं जिनको नमाज में बेचैनी रहती है, मुख्तलिफ किस्म के वसवसे आते हैं और वो नमाज अदा करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा अमल इसके मुतल्लिक शेयर करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से नमाज में बहुत लज्जत और सुकून महसूस होगा और अल्लाह पाक आपको लंबी दुआओं की तौफीक भी अता फरमाएगा। एक साहब फरमाते हैं के हज़रत जी अस्सलामुअलैकुम, मुझे नमाज़ पढ़ते हुए अक्सर बेचैनी दुश्वारी महसूस होती थी और दुआ भी ना मांग पाती थी। जब से मैंने नमाज में आखिरी 6 सूरतों वाला अमल, जिसकी पहली रकत में सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह लहब और दूसरी रकत में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को इकट्ठा पढ़ना शुरू किया है, इस अमल से नमाज में बहुत लज्जत और सुकून महसूस हुआ और लंबी दुआओं की तौफीक मिली है।